दोस्तों कहते हैं कि चोरी एक बहुत बड़ी कला है। अब चोर इस कला को कौन सी कोचिंग से सीखते हैं ये तो चोर ही जाने। वैसे आपने भारत के बंटी चोर का नाम तो सुना ही होगा। कहते हैं कि इसके चोरी का अंदाज बिल्कुल अलग था और ये दुनिया का ऐसा पहला चोर होगा जिस पर बॉलीवुड फिल्म भी बन चुकी है और यहाँ तक कि ये भाई साहब बिग बॉस में भी आ चुके हैं। और आप जानते हैं कि ऐसी चीजें भारत में ही हो सकती है। इसी तरह ऐसे भी कई चोर हैं जो बिना अपना दिमाग लगाए और बिना इस कला को सीखे सीधा धंधे पर उतर आते हैं और उनकी बेवकूफी भरी हरकतें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही नौसिखिए चोरों की कुछ गुदगुदाती हुई क्लिप्स दिखाएंगे जिनकी हरकतें देखकर आप लोटपोट हो जाने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। पहला किस्सा, जरा इस चोर को देखिए। ये भाई साहब कार का कांच खोलकर कुछ चुराने की कोशिश कर रहे हैं और तभी इनकी नजर एक पुलिस वाले पर पड़ती है। पुलिस वाले को देखकर ये चोर भागने लगता है। भागते भागते अचानक एक गाड़ी के पास से गुजरता है और तभी उस गाड़ी का दरवाजा खुल जाता है और उस दरवाजे से टकराकर वो वहीं पर गिर जाता है और आखिर में पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है। तो भैया क्या टाइमिंग थी चोर के पकड़ाने की, किस्मत बड़ी खराब थी इस बंदे की लगता है। देखिए फिर से क्लिप एक बार। अब चलते हैं दूसरे किस्से की तरफ। आपने ऐसे कई चोरों को देखा होगा जो बाइक पर आते हैं और लोगों की चेन और पर्स छीन कर ले जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अगर आपके साथ भी कभी ऐसी घटना हो तो आप बिना चोरों से लड़े भिड़े इस घटना से बच सकते हैं। यकीन नहीं होता तो देखिए इस वीडियो को। इस वीडियो में दो चोर बाइक में सवार होकर एक अकेली खड़ी महिला को लूटने के प्रयास से उसके पास आते हैं। लेकिन ये महिला तुरंत ही समझ जाती है कि ये चोर है और उसे लूटने आया और उसके बाद ये महिला अपना पर्स और मोबाइल तुरंत छत पर फेंक देती है। अब चोरों के पास लूटने के लिए कुछ भी नहीं रहता और वे वहां से भाग खड़े होते हैं। देखिए क्लिप एक बार। बार बार चोरी, ये किस्सा बड़ा दिलचस्प है। दोस्तों आपने ऐसे कई जगहों के बारे में सुना होगा जहां बार बार चोरी की घटनाएं होती है और लोग फिर चोरी से बचने के लिए सीसीटीवी कैमरा और अलार्म सिस्टम जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगते हैं। इसी तरह एक दुकानदार थे जिनके यहाँ बार बार चोरी की घटनाएं होती थी। ये शख्स इतना परेशान हो चुका था कि इसने हॉलीवुड फिल्मों की तरह चोर को पकड़ने के लिए पूरा जाल बिछाया। सोचो भैया कितना खतरनाक सस्पेंस था वहां पर। और चोर की किस्मत इतनी खराब थी जो फिर से उसी दुकान में चोरी करने चला गया जहां एक बार हाथ साफ कर चुका था। जैसे तैसे चोर दुकान के अंदर एंटर तो हो गया लेकिन बाहर निकलने के सभी दरवाजे ऑटोमेटिक बंद होने लगे। टैं टैं टैं, सोचिए कितनी बुरी तरीके से फटी होगी उस चोर की। चोर ने भी पूरे अपने सभी औजारों का इस्तेमाल कर लिया लेकिन वह दरवाजों को नहीं खोल पाया और आखिर में बचाओ बचाओ यानी कि मदद की गुहार लगाने लगा। हेल्प हेल्प हेल्प, बस फिर क्या था, मदद तो पहुंची लेकिन पुलिस की शक्ल में और फिर इन्हें सम्मान बेहतरीन तरीके से जबरदस्त ठुकाई करते हुए जेल भेज दिया गया। तो भैया ये होता है बार बारी की जगह चोरी करने से, समझ लो। आगे बढ़ते हैं। नौसिखिया चोरों का भी एक अलग ही गैंग है हमारे देश में। नहीं, आगे बढ़ते हैं। एटीएम चोर, आपने बहुत सी एटीएम चोरी की घटनाओं के बारे में सुना होगा जहां पर ज्यादातर चोर अपनी आइडेंटिटी छुपाने में कोई कसर नहीं छोड़ते और कई बार ऐसे भी चोर देखे गए हैं जो पूरी की पूरी एटीएम मशीन ही सीधा उखाड़ के ले जाते हैं, चुरा लेते हैं मतलब। अब आप इस एटीएम चोर से मिलिए। इनका नाम है सलाउद्दीन अयूबी और ये भाई साहब पाकिस्तान के फैसलाबाद में एक एटीएम में चोरी करने पहुंचे थे पूरे साजो सामान के साथ। यहां पर पहुंचकर एसी की ठंडी हवा खाते हुए बिना किसी औजार के इन्होंने पूरी एटीएम मशीन को खोल डाला और एटीएम मशीन को खोलने के बाद कैमरे में देख देख कर चिढ़ाने लगे। ये देखिए कितना मजा ले रही है। और बड़ी आराम से इन्होंने पूरी एटीएम मशीन को साफ कर दिया लेकिन इनकी उटपटांग हरकतें कैमरे में हो गई कैद और जल्द ये पुलिस की गिरफ्त में आ गए। जी हाँ, पहुंच गए गिरफ्त। लेकिन कुछ ही दिनों बाद पुलिस कस्टडी में इनकी मौत हो गई। ये थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया। कहा जाता है कि पुलिस कस्टडी में इन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया और इसीलिए इनकी मौत हो गई। तो भैया चोरों नौसिखियों सुन लो, कभी भी चढ़ाते हुए सीसीटीवी कैमरे की तरफ कोई इशारे नहीं करना वरना हालत खतरनाक हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड के बेवकूफ चोर। दोस्तों कहते हैं कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत बड़ा फर्क होता है लेकिन हमें ऐसा लगता है बहुत कम फर्क होता है और इसका एक नमूना भी आप देख लीजिए। इंग्लैंड में 6 चोर दिन दहाड़े दो स्कूटर में सवार होकर एक ज्वेलरी शॉप को लूटने के लिए निकल पड़े। ज्वेलरी शॉप उस समय बाहर से लॉक थी और उसके चारों तरफ कांच की दीवार थी। इन चोरों ने हथौड़े से उस ज्वेलरी शॉप के कांच को तोड़ना शुरू किया। सबसे हैरानी की बात है कि ये वारदात दिन में ही हो रही थी और आते जाते लोग इस घटना को देख भी रहे थे। तभी एक 70 साल की महिला एन टिम्सन, इनकी नजर पड़ी उन पर और वह तेजी से दौड़कर उन चोरों के पास गए और उन्हें अपने हैंडबैग से सोटना शुरू कर दिया। भाड़ भीड़ भाड़ भीड़ भाड़ पीटना शुरू कर दिया। ये सभी चोर उस नैनी से इतना घबरा गए कि वहां से भागना ही इन्हें सही लगा। जैसे तैसे ये लोग वहां से भाग रहे थे तभी उनका एक स्कूटर जमीन पर गिर गया और फिर लोगों ने उसे पकड़कर जो धोया जो धोया जो धोया
कि पुलिस वाले के हवाले कर दिया और फिर उनका जो काम हुआ होगा वो आप खुद ही समझ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं। सीसीटीवी का किस्सा। सीसीटीवी आने के बाद से एक चीज अच्छी हुई है कि चोरी की घटनाओं में कमी आ गई है, लेकिन ऐसे भी कई नमूने चोर हैं जो इन सीसीटीवी पर ध्यान ही नहीं देते और सीधे अपने काम में लग जाते हैं। अब इस महाशय को देख लीजिए, यहाँ पर एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल खराब हो गई थी, तभी उसके बाजू से एक चोर गुजर रहा था और उसे लगा कि यही सही मौका है। उसने मौके का फायदा उठाया और उस आदमी की जेब काट ली, लेकिन जब इसकी नजर सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी तो भाई साहब की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और उन्होंने पर्स गिराकर कह दिया, भैया ये आपका है, हो गया काम। लेकिन अब क्या करें, कैमरे में तो उनकी हरकत रिकॉर्ड हो चुकी थी, इसलिए इन्होंने कैमरे में ही माफी मांगना शुरू कर दिया, भैया माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। इनकी वीडियो इतनी वायरल हो गई, ये लोग बढ़ चढ़कर इसे सोशल मीडिया पर खूब शेयर करने लगे, यहां तक कि कई पुलिस अधिकारियों ने भी इसका खूब मजा लिया और इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया। तो भैया माफ करना बोलना कुछ फायदा नहीं हुआ, सीसीटीवी कैमरे पर माफ करो बोलोगे तो लोग ऐसी मजा उड़ाएंगे आपका, समझो ना सीखियो। आगे बढ़ते हैं। मोबाइल चोर। कनाडा में एक महिला की मोबाइल शॉप थी जहां पर सेकेंड हैंड और नए मोबाइल की काफी अच्छी रेंज थी, लेकिन आए दिन इनकी दुकान से आईफोन की चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही थी। चोरी की घटनाओं से महिला इतनी परेशान हो गई कि उन्होंने दुकान में सीसीटीवी और एक लोहे की जाली इंस्टॉल करवाई। और फिर एक रात इनकी दुकान में एक चोर घुस आया मेन डोर से। अंदर घुसने के बाद ये उस लोहे की जाली में अटक गया। काफी मशक्कत के बाद उस जाली को तोड़ नहीं पाया और आखिर में वो जाली के नीचे से रेंगते हुए उस दुकान में घुस गया सांप की तरह। लेकिन इस जाली की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इस जाली से नीचे रेंगते हुए कोई भी एंटर कर सकता था लेकिन बाहर नहीं निकल सकता था, और आखिर में ये चोर उस दुकान के अंदर फंस गया, फंसी गयो। हालांकि चोरी की घटना का नोटिफिकेशन इस महिला के मोबाइल में पहले ही आ चुका था और वो ये सब कुछ ऑनलाइन देख भी रही थी और हंस हंस के लोटपोट हो रही थी। बहुत ही खतरनाक खुखार खुर्राट डोकरी थी वो जो भी थी। लेकिन आखिरकार पुलिस को बुलाया गया और चोर को उनके हवाले कर दिया गया। चोर की जो धुनाई हुई होगी भैया सोच के देखिए, और रात भर वहाँ फंसे फंसे उसकी हालत हुई होगी, वो क्या बोले, वो चूहे पकड़ाते हैं हमारे घर में, देखिए अपने पिंजरे में फंसे रहते हैं रात भर, सवेरे उनको बाहर ले जाकर छोड़ जाता, रात भर उनकी क्या हालत होती होगी, वैसे ही कुछ हुआ होगा इस चोर के साथ, ऐसा मुझे लगता है। आगे बढ़ते हैं। मूर्ख चोर। यह घटना उदयपुर की है जहां पर दो चोर दिन दहाड़े चोरी को अंजाम देने के लिए तीसरी मंजिल पर बने एक फ्लैट में घुस गए और उस वक्त उस घर के सभी लोग नमाज पढ़ने के लिए बाहर गए हुए थे और चोर उस फ्लैट में घुसकर अपने काम को अंजाम देने में व्यस्त हो गए। लेकिन तभी अचानक उस घर के मालिक आधम किया और उन्होंने उस रूम को लॉक कर दिया जहां पर चोर अपना काम करने में लगे हुए थे। बस फिर क्या था, चोर रूम के अंदर लॉक हो चुके थे और बाहर निकलने के अब उनके पास कोई जगह नहीं था। आखिरकार एक चोर खिड़की से कूदकर दूसरे की बालकनी पर जाने की कोशिश करने लगा लेकिन लोग वहां भी आ पहुंचे। लाखों मिन्नत करने के बाद उसे बालकनी पर चढ़ने दिया गया और पुलिस को सूचना दी गई और आखिरकार ये दोनों मूर्ख पकड़ा गए और जबरदस्त धुनाई का सामना करना पड़ा। अब एक अलग ही प्रजाति के चोर से मिलते हैं, नर्वस चोर। दोस्तों ये चोरी की घटना जो है ये कोलोराडो यूएसए की है जहां पर एक चोर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक ई सिगरेट शॉप को लूटने का प्लान बनाता है। वो वाली सिगरेट जिससे धुआं नहीं निकलता, या निकलता भी है तो इलेक्ट्रॉनिक होता है, पता नहीं कैसे काम करती, पर आई डोंट नो अबाउट दैट। आगे बढ़ते हैं। ये चोर बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ इस दुकान के अंदर एंटर होता है और सीधा काउंटर पर चले जाता है और काउंटर पर पहुंचकर ये अपनी जेब से गन निकालता है, लेकिन बाय मिस्टेक इसकी गन काउंटर के दूसरी तरफ गिर जाती है। ये इतना हड़बड़ा जाता है कि काउंटर पर चढ़ने की कोशिश करने लगता है लेकिन कुछ ही देर में इसे समझ में आता है कि ये मुमकिन नहीं है और फिर तेजी से ये दुकान से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन इस तेजी में उसकी पैंट जो है वो उतर जाती है और उतरी हुई पैंट के साथ ये सड़क पर भागते हुए नजर आता है। क्या नजारा रहा होगा, एक चोर विदाउट पैंट, नर्वस चोर। आगे बढ़ते हैं। स्टूपिड चोर। आपने अक्सर देखा होगा कि बड़ी बड़ी चोरियों में चोर अपनी पूरी तैयारी के साथ आते हैं। ये लोग चेहरे पर मास्क और ऑटोमेटिक वेपन के साथ इस काम को अंजाम देने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ चोर जो होते हैं वो बिना प्लानिंग के बगैर ही चोरी करने पहुंच जाते हैं। अब इन महाशय को देखिए, ये भाई साहब कैसल फाइन आर्ट गैलरी पहुंचकर जहां पर सबसे पुरानी और कीमती तस्वीरों यानी कि जो पेंटिंग्स होती है उनका संग्रह किया गया है वहां पहुंचते हैं और तस्वीर देखते देखते उनके मन में पता नहीं क्या आता है कि एक वर्ल्ड वॉर वन की तस्वीर उठाकर उसे अपने जैकेट में छुपाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तस्वीर बड़ी होने के कारण ये उनके जैकेट में समा नहीं पाती। काफी सोच विचार के बाद ये बिंदास तरीके से उस तस्वीर को अपने हाथ में उठाकर गैलरी से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन इस चोर को ये नहीं पता होता कि इसका इंतजार पुलिस वाले बाहर पहले ही कर रहे हैं और फिर दे धुनाई। आगे बढ़ते हैं। जूता चप्पल चोर। सिंगापुर से आई इस वीडियो को देख लीजिए। यहाँ पर दो लड़कियां जूते चप्पल चुराने की फिराक से एक फ्लैट की बालकनी में घुस गईं और अपने पैरों के साइज के जूते चप्पल तलाशने लगी, लेकिन तभी इन्हें कोई आवाज सुनाई दी और ये वहां से भाग खड़ी हुई। कुछ देर छुपे रहने के बाद इन्हें ये महसूस हुआ कि कोई गड़बड़ नहीं है और उनमें से एक लड़की फिर से जूता चुराने का प्रयास करने लगी, लेकिन तभी इसकी नजर सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी और बेचारी शर्मा के मारे वहां से भाग गई। भाई वाह। आगे बढ़ते हैं। बेवकूफ शातिर चोर। आप तो जानती हैं कि कोई भी चोर चोरी करने से पहले उस एरिया का पूरा मुआयना करता है
लेकिन इस चोर की बात ही अलग है। ये भाई साहब चोरी करने वहां पहुंच गए जहां जाने से सभी चोर डरते हैं। जी हाँ, इसने चोरी करने की सोची और वो भी पुलिस स्टेशन में। ये घटना है ग्लैडस्टोन यूएसए की, जहां पर ये महाशय कटर लेकर पुलिस स्टेशन के बाहर रखी साइकिल को चुराने के लिए पहुंच गए। अब होना क्या था, इनकी हरकत पुलिस वालों ने देख ली और इसे तुरंत पकड़ लिया गया और बाद में इनका स्वागत शाही अंदाज में किया गया। काश ये सारे शाही अंदाज हम आपको दिखा पाते यूट्यूब पर, ऐसा संभव नहीं है। सुपर स्टोर चोर, आपने ऐसे कई चोरों के बारे में सुना होगा जो बड़े बड़े मॉल्स या सुपर स्टोर सुपर बाजार में जाकर सामानों को अपने कपड़ों के अंदर छुपा लेते हैं और बाद में पकड़े भी जाते हैं। इसी तरह ये महाशय एक सुपर स्टोर में गए और उन्होंने पूरी की पूरी एक चेन सॉ यानी कि आरा मशीन को अपने लोअर में छुपा लिया, लेकिन उनकी हरकत कैमरे से कहां छिपने वाले थे। आखिरकार उन्हें पकड़ लिया। कौन भाई, कौन आरी कौन अंदर डालता भाई ये लोअर, कुछ हो गया तो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चाइना का चोर, दोस्तों ये वीडियो चाइना का है जहां पर चोर चोरी के अंजाम को देने के लिए पहुंचे और तभी अचानक उनकी नजर सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी और उसके बाद इस चोर ने अपने आप को छुपाने के लिए अपने चेहरे पर कपड़ा बांध दिया, लेकिन ये बेवकूफ भूल गया कि उसकी पहले की तस्वीर कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी है। खैर आखिरकार इस चोर ने चोरी की और चला गया, लेकिन वहां पर इसने अपनी आईडी छोड़ दी जिसकी मदद से पुलिस उसके घर तक पहुंच गई और पूरे सामान को जब्त कर लिया और साथ में चाइना के इस चोर को भी जब्त कर लिया और काम हो गया इसका। आगे बढ़ते हैं। मलेशियाई चोर, अब इन चोरों को देख लीजिए, ये चोर बड़े ही जोश और तैयारी के साथ मलेशिया की एक ज्वेलरी शॉप में एंटर करते हैं। इन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए हेलमेट भी पहन रखा है और फिर ज्वेलरी चुराने के लिए काउंटर पर बने डिस्प्ले ग्लास को हथौड़े से तोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये इस बात से बेखबर थे कि डिस्प्ले का कांच पॉलीकार्बोनेट मटेरियल से बना हुआ है जो इतनी आसानी से नहीं टूटता। काफी देर तक मेहनत करने के बाद इन्हें समझ में आ जाता है कि इस कांच को तोड़ना उनके बस की बात नहीं है और फिर ये सभी चोर वहां से घबरा कर भाग जाते हैं। तो भैया ऐसा किया ही क्यों और ये किस किस्म का कॉन्फिडेंस। तो दोस्तों ये थी जबरदस्त गुदगुदाती हुई तस्वीरें जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और आप सबका मन बहलाने के काम आए, क्योंकि ये चोर जो थे वो थे दुनिया के सबसे नौसिखिए चोर। आशा करते हैं वीडियो आप सबको मजेदार लगी होगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए भैया इस वीडियो को शेयर करें, अपने पड़ोसियों में बांटे, अपने दोस्तों में बांटे, ताकि वो भी मजे लें इस वीडियो के, और हमारे इस पेज को फॉलो भी कर दीजिए यार, मजा आएगा क्योंकि अगली वीडियो और भी ज्यादा मजेदार होने वाली है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।